नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। जनरल वाले लोग खुश हो जाएं, अगर पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की बहुत बड़ी खबर आ गई दोस्तों जनरल वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आरक्षण खत्म हो जाएगा और उनको नौकरी में कम अंक लाकर भी आरक्षण खत्म होगा तो उनकी कटाव भी कम जाएगी, उनको नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों परेशान ना हो, पूरी जानकारी मैं दूंगा, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि जनरल वाले हमेशा आरक्षण की वजह से उनको नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों चलिए जानकारी शुरू करते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे हम, इसलिए पूरा वीडियो देखें। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हमेशा यूपी पुलिस में आरक्षण मिलता आया है, जिससे कई बच्चे जो एजबल थे उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पूरी जानकारी क्या है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी ये है कि दोस्तों ये मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ से दिखा रहा हूँ, न्यूज़ की साइट में जाकर के, जिससे आप लोगों को फेक ना लगे न्यूज, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सिपाही भर्ती सिर्फ यूपी के ही अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ, करनी होंगी ये शर्तें पूरी। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये, इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। देखिए आरक्षण का लाभ केवल यूपी के अभ्यर्थी को मिलेगा, तो पूरी शर्तें क्या है देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों में कोई मतभेद नहीं रहे, इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि शासनादेश में स्पष्ट है कि आरक्षण का लाभ केवल यूपी के अभ्यर्थियों को दिया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों के लिए एक बार फिर बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस संबंध में उत्तर पुलिस भर्ती संवर्धन बोर्ड यूपी आरपी ने 49,568 कांस्टेबल के पदों की भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार इस भर्ती में सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, चाहे वह पिछड़ा वर्ग का हो या एस टी वर्ग का हो। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों ये आप लोगों के लिए, क्योंकि बाहर के कई लोग जिनके आरक्षण पा के नौकरी पा जाते थे, वैसा नहीं होगा। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को 3 साल से यूपी का निवासी होना जरूरी है, अलावा ओबीसी वर्ग के क्रीमी लेयर से नीचे होना चाहिए। अभ्यर्थी उसके परिवार के 3 साल का आय प्रमाणपत्र क्रीमी लेयर दोस्तों ये होती है, जिसे कोई परिवार में मतलब कोई अगर बहुत बड़े पोस्ट पर है तो उसमें क्रीमी लेयर में आ जाता है, क्योंकि उसकी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहती। तो ये क्रीमी लेयर के अनुसार जो क्रीमी लेयर के नीचे है उनको मिलेगा आरक्षण। तो योगी सरकार ने यूपी पुलिस की दूसरी बंपर भर्ती 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रति बोर्ड के अनुसार आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों में कोई मतभेद नहीं रहे, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण का लाभ केवल यूपी के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन जीपी शर्मा ने बताया कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के परिवार को सालाना आय जिनकी 8 लाख रुपये अधिक है उसे क्रीमिलियर माना जाएगा, यानी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। पहली सीमा 6 लाख थी। बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाहियों के लिए एक बार फिर बंपर प्रक्रिया शुरू हो गई। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संवर्धन बोर्ड में 49,558 कांस्टेबलों के भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, और इसके लिए आवेदन को केवल 8 दिसंबर तक ही मौका मिलेगा। बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पिछले 1 साल के अंदर बड़े पैमाने पर दूसरी भर्ती है, और पहली भर्ती की कटाव के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, तो बने रहे पूरा वीडियो देखें। जो मई में जो जनवरी में भर्ती आई थी उसकी भी कटाव बताऊंगा मैं। इस बार द्वितीय भर्ती सिविल 31,600 भर्ती की जाएगी, वह पीएससी में 18,200 सिपाहियों की भर्ती कुल मिलाकर 49,568। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, तो आप लोग तैयारी करना, आपको सिलेक्शन जरूर होगा। बता दें कि 19 नवंबर को सिपाही भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रति बोर्ड की वेबसाइट से होने वाले आवेदन 8 दिसंबर को तक स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला था, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे देख लेंगे, उसमें पता है कि लिंक करना चले तो कैसे दूसरे लिंक से आप लोग भर ले फार्म। 8 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार होगी। 300 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, जिसके पास शारीरिक दक्षता होगी। परीक्षा अनुसार सिपाहियों का चयन किया जाएगा। मालूम है उत्तर प्रदेश की भर्ती एवं प्रति बोर्ड बीते 1 साल के अंदर इतनी बड़ी पर दूसरी भर्ती है, तो दोस्तों जुड़े रहें कटाफ देखते हैं। जो स्पेशल कटाफ है 300 मार्क में 200 जनरल की जाएगी, 205 से 215, और जो ओबीसी की जाएगी जो मेल की है, और ये एक सर्विस मैन की जो दोस्तों जाएंगे 165 से 172, फ्रीडम फाइटर के 162 से 168, होमगार्ड में 160, 206। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, 206 216 से ज़्यादा किसी हालत में नहीं जाएगी, तो आप लोग निश्चिंत रहें। इसके बाद ओबीसी की 195 से 205 और 192 से 203 जाएगी दोस्तों ये, और एससी की जो है 187, और इसके बाद जो दोस्तों स्पेशल कट ऑफ 2018 है ये जो है एसटी की 156, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी,
कम से कम 62,000 अभ्यर्थियों को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। तो दोस्तों, अगर आपको खबर पसंद आई हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और मैं आपके लिए अगर कोई भी जानकारी आती है यूपी पुलिस से जुड़ी तो उसके लिए तुरंत लेके आऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।